तो कल की 2898 एडी के मेकर्स ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है इस फिल्म को लेकर, और जो इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। इससे पहले आपने इस फिल्म से जुड़े काफ़ी मटेरियल सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर या यूट्यूब पे देखे, जिसमें इंट्रोड्यूसिंग वीडियो आया अश्वत्थामा का, बुज्जी बैरवा का इंट्रोड्यूसिंग ग्लिम्स आया, और बुज्जी का ट्रेलर आया, टीज़र आया। इसके अलावा फिल्म के पोस्टर्स काफ़ी आए, और इससे पहले प्रील्यूड वीडियो एपिसोड, दो एपिसोड जो दिखाए गए हैं बुज्जी भैरवा के, आई मीन एनिमेटेड के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ों का इंतज़ार था, भैरवा के इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर वीडियो का और इस फिल्म के ट्रेलर का। फिलहाल भैरवा का इंट्रोड्यूसिंग ग्लिम्स की तो मुझे लगता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुज्जी भैरवा का जो एनिमेटेड प्रील्यूड वीडियो आया है उसमें भैरवा का कैरेक्टर काफ़ी हद तक रिवील हो चुका है कि क्या होने वाला है। बाकी इस फिल्म के ट्रेलर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका अनाउंसमेंट आज इस टीम ने कर दिया है। 10 तारीख की डेट यानी कि 10 जून को ये ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, और टाइम अभी नहीं बताया गया है, सिर्फ डेट रिवील की गई है, तो 10 तारीख को, और टाइम भी मुझे लगता है कि 9 तारीख के आसपास इसमें टाइम आपको रिवील हो जाएगा, 8 या 9 तारीख में। एक पोस्टर के जरिए से इस ट्रेलर का अनाउंसमेंट किया गया है, और उस पोस्टर में भी नाग अश्विन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत इस फिल्म में उन्होंने डीप रिसर्च की है, 7 साल से इस फिल्म को बनाया जा रहा है, और एक एक चीज़ को 6000 साल की कहानी किस तरह से उन्होंने पर्दे पर उतारी है, 3000 साल पहले की और 3000 साल आज से आगे की कहानी इस फिल्म में दिखाई जानी है, तो फ्यूचर में वर्ल्ड कैसा होगा, इस पर बहुत डीप रिसर्च की गई है, जो झलक दिखती भी है। इस पोस्टर में आपने एक छोटा सा उनका क्रिएटिविटी का नमूना देखा होगा, ऑलमोस्ट रियल लस्सी। अब फ्यूचर में हो सकता है दूध, छाछ, पनीर, दही कुछ भी ना बचे, तो आजकल जैसे बॉटल पैक जो मैंगो जूस बिकता है वो ओरिजिनल मैंगो तो नहीं होते, सिर्फ एसेंस होता है, तो सेम इसी तरह से 3000 साल आगे ऑलमोस्ट रियल लस्सी। तो ये एक नाग अश्विन की क्रिएटिविटी का ही नमूना है। इसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हैं यहाँ पर, आज की डेट में तो हम ये वायर देखने को हमें हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन 3000 साल के बाद तो इस तरह से वायर देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक क्रिएटिविटी का ही नमूना है कि 3000 साल के बाद जो एक पिक्चर काशी की जो दिखाई जानी है, वहाँ पर दुनिया काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया जाएगा, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया जाएगा, जहाँ पर एक तरफ अमीर लोग होंगे जिसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ गरीब लोग होंगे। तो नाग अश्विन की क्रिएटिविटी का नमूना है यहाँ पर भी। तो फिल्म का ट्रेलर फिलहाल देखने को मिलेगा आपको, और इस ट्रेलर के रिगार्डिंग मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ आपको। एक तो इसकी जो लेंथ है लगभग 3 मिनट के आसपास की होने वाली है, और दूसरा ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ट्रेलर होने वाला है हिंदी सिनेमा का, सॉरी इंडियन सिनेमा का। तो देखना ये होगा कि इसमें क्या दिखाया जाएगा। मेरे हिसाब से जो कैरेक्टर आप देख चुके हैं वो भी इसमें देखने को मिलेंगे आपको, और जो आपने अभी तक नहीं देखा वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिल्म के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हो पाएगा। यहाँ पर नाग अश्विन की स्मार्टनेस काम करेगी। मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, आज फिर बोलूँगा कि नए रिकॉर्ड्स बनेंगे इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद, लेकिन एक रिकॉर्ड बनने वाला है 10 तारीख को, और वो होगा 24 घंटे में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंडियन सिनेमा का ट्रेलर, जो अभी तक जो नंबर 1 पर है वो है सलार 113 मिलियन के साथ में, और दूसरे नंबर पर है KGF 2 यानी कि 106 मिलियन के साथ में। तो ये नंबर 1 पर कल की 2898 एडी का ट्रेलर होगा, वो रिकॉर्ड टूटेगा, सलार दूसरे नंबर पर और KGF 2 तीसरे नंबर पर होने वाला है, और इसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी तो वहाँ कितने रिकॉर्ड टूटते हैं वो देखना होगा। सब कुछ बढ़िया होने के बाद में सिर्फ एक चीज़ इस फिल्म के लिए मुझे खलती है आज भी, और वो है प्रभास की यानी कि भैरवा की जो वॉइस दी गई है, जो डब कराया गया है वो शरद केलकर से ना कराकर किसी और से कराया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शरद केलकर को अप्रोच करना चाहिए कल्कि की टीम को, और जो वॉइस डबिंग है वो उन्हीं से करानी चाहिए, जैसा कि उन पर सूट भी करती है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा कि नाग अश्विन ने इतनी रिसर्च की है तो शायद वॉइस पे भी इतनी रिसर्च की होगी। हम लोगों को ये 27 तारीख को देखने को मिलेगी, लेकिन नाग अश्विन ने वो पूरी डबिंग सुनी होगी और उनको बेहतर मालूम होगा कि फिल्म के साथ क्या अच्छा रहेगा। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो मे बी सफल हो। बाकी फिल्म 27 को देखने को मिलेगी और ट्रेलर 10 तारीख को। कितना एक्साइटेड हैं ट्रेलर को देखने के लिए कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो रेगुलर मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।